Assalamu alaikum students, आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी वो पढ़ने जा रहे हैं। आपने इसके वर्ड्स नोट तो तैयार कर लिए होंगे। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपके आसानी के लिए मैंने इस पूरे यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आज सिर्फ हम पहले पार्ट को देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि You will see from this short piece that the story is told by a horse. कहने का मतलब यह है कि ये स्टोरी एक हॉर्स के परस्पेक्टिव से बयान की गई है। इसका मतलब यह है कि इस स्टोरी का नरेटर यानी बयान करने वाला एक हॉर्स है। अब चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। बिफोर आई वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, मेरी 2 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले A circumstance happened. Circumstance का यहां मतलब होगा incident. या आपने verse 9 में भी याद किया होगा, circumstance का यहां मतलब होता है incident. Happened which I have never forgotten. जो मैं कभी नहीं भूला. It was early in the spring. ये बहार के मौसम का आगाज था. There had been a little frost in the night. रात को कुछ ठंड होती थी. And a light mist still hung over the woods and meadows. मीडोज का मतलब होता है घास का मैदान। कहते हैं एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगलात एंड मीडोज घास का मैदान। तो कहते हैं हल्की हल्की धुंध जंगलात पर और घास के मैदान पर भी थी। आए, यहाँ पे अब आए का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया नरेटर यहाँ पे एक हॉर्स है, तो आए का मतलब होगा हॉर्स जो नरेट कर रहा है। एंड द अदर कॉल्ट्स, कॉल्ट्स का मतलब होता है यंग मेल हॉर्सेस, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। फीडिंग का मतलब होता है चरना। एट द लोअर पार्ट, निचले हिस्से पे ऑफ द फील्ड, मैदान के। व्हेन वी हर्ड, जब हमें सुनाई दी, क्वाइट इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पे, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, कुत्तों के भौंकने की आवाज। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट्स, घोड़ों में जो सबसे बूढ़ा था, रेस्ड हिज हेड, उसने अपना सर ऊंचा किया, प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कान खड़े किए, एंड सेड देयर आर द हाउंड्स, ये जंगली कुत्ते हैं, एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ, और जल्दी से वहां से चल दिया। कैंटर्ड का मतलब होता है ये एक घोड़े की चाल है, चलने का तरीका है घोड़े का। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, हम सब ने उसका पीछा किया, टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, मैदान के पलाई हिस्से की तरफ। वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, हेज का मतलब फेंस, एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, जहां पे हम बाउंड्री या फेंस के दूसरी तरफ बहुत सारे मैदानों को देख सकते थे। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आर मास्टर्स were also standing near and seemed to know all about it. मेरी वालदा और हमारे मास्टर, मतलब हमारे मालिक या हमारे सिखाने वाले का पुराना राइडिंग हॉर्स, were also standing near, वो भी करीब खड़े थे, and seemed to know all about it, और लग रहा था कि उन्हें इसके बारे में सब मालूम है। They have found a hare, उन्हें एक खरगोश मिला है, said my mother, मेरी वालदा ने कहा, and if they come this way, और अगर वो इस तरफ आए, we shall see the hunt, तो हम शिकार देख सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट 1। इस वीडियो के साथ अटैच होंगे 4 MCQ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद 4 MCQs को अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह।